भूखे बच्चों को निवाला क्या मिला, इनकी आंखों में चमक ही आ गई। इनके माता पिता के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें कुछ हद तक साफ हुई हैं और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन यह एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो कि इस समय भूख से लड़ रहे हैं। इन परिवारों को चंडीगढ़ और पंजाब की नंबर वन हाउसिंग कंपनी एसपीपी ग्रुप ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। एसपीपी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग प्रवीण गोयल ने बताया कि इन परिस्थितियों में एसपीपी ग्रुप जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। हमें यह भी पता है कि इतनी मदद इन लोगों को लंबे समय तक राहत नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कुछ दिन ही सही ये लोग भरपेट खाना खाकर सो सकेंगे। एसपीपी ग्रुप ही नहीं, समाज सेवी संस्थाओं, समाज सेवियों और आम जनता को भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना होगा, तभी इन लोगों को लंबे समय तक राहत दी जा सकेगी। उज्जवल हिमाचल मीडिया ने भूख से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए मुहिम चलाई है। कई संस्थाएं और लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उज्जवल हिमाचल ऐसे मदद करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट करता है और अन्य लोगों से भी अपील करता है कि वह इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। एसवीपी ग्रुप पंजाब में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस समय पे, और हमें अभी उज्जवल हिमाचल के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहा है, तो आज हमारे कुछ लोगों ने, टीम मेंबर्स ने आके यहाँ पे राशन दिया है लोगों को। और हम बाकियों से भी यही कहना चाहेंगे कि बाकी सभी लोग इस समय पे इन लोगों तक एटलीस्ट मतलब बेसिक चीज़ें पहुँचाएँ ताकि इन लोगों को इस समय पे हेल्प मिल सके। कहाँ से हैं आप लोग और किस हालात में रहते हैं? बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं हम लोग, खाने का भूखे मर रहे बच्चे लोग सब। कितने लोग हैं आप यहाँ पे? जो 3-4 घर है उधर। राशन की क्या स्थिति है आप लोगों के पास? कुछ नहीं आया अभी तक, तो ये दिया है बस। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि काफ़ी परिवार ऐसे बीच में निकल रहे हैं जिनके पास राशन की समस्या है। तो हमारा एक बार फिर से आग्रह रहेगा समाज सेवियों से, प्रशासन से भी, कि जो भी पहले इनकी मदद करवा सके वो इनकी मदद ज़रूर करवाए, इन तक राशन पहुंचाए। हम भी प्रयास करेंगे कि इन तक राशन पहुंचे। लोग को आप लोग सहारे हुए खाने के लिए दिए 4-5 दिन के लिए, यही बहुत है गरीब लोग को। ऐसे आते रहेगी गरीब लोग को देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग खुश हैं कि इनको कुछ खाने को मिला है। अभी एसबीपी ग्रुप के लोग और जगह भी जाएंगे, हम बात करते हैं एसबीपी ग्रुप के प्रतिनिधि से कि वो किस तरह से इस स्थिति में लोगों का साथ दे रहे हैं और किस तरह से उनकी रहेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। एसबीपी की तरफ से मैं चाहता हूं कि यहां के एज ए प्रतिनिधि मैं चाहता हूं कि यहां पे और भी हमें हमारे साथ ऐसे वॉलेंटियर्स जुड़ें जिससे हम और मदद कर पाएँ। तो अभी हमारी शुरुआत है और बाकी धीरे धीरे जैसे आपका भी सहयोग मिलता रहे, मीडिया का हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम आगे और भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये और हम ये कहेंगे कि बाकी लोग भी मदद के लिए आगे आएँ, सिर्फ ये कुछ परिवार ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मदद की दरकार है। उज्जवल हिमाचल ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, आप तक उनका जो संदेश है, उनकी जो दशा है वो पहुँचाएगा। हम अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुँचे, लेकिन प्रशासन भी मदद कर रहा है। हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच पाएगा, हर जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे। इंसानियत दिखाने का वक्त है, जिसको जहां समय मिलता है वो अपनी इंसानियत दिखाए और ऐसे लोगों की मदद करे। गरीबों की मदद के लिए विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं, और कल हमने आपको दिखाया था कि कुछ गरीब परिवार प्रवासी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं और दिहाड़ी मजदूरी लगाने से उसमें उनको बेबसी हो रही थी, नतीजतन जो उनको खाना था वो नसीब नहीं हो रहा था। तो आज एसबीपी ग्रुप ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एसबीपी ग्रुप ने इन गरीबों को कुछ मदद पहुंचाने का काम शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी मदद के लिए आगे आएंगे। और इस वक्त हम बात करेंगे इन प्रवासी परिवारों से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं राहत मिलने के साथ। भाई साहब, राशन थोड़ा बहुत आपको मुहैया हुआ है? हाँ सर, गरीब है, राशन खाने पीने के मिल गया, अभी फिर घटेंगे तो फिर मिल जाएंगे। गरीबी चल रहे हैं सर। फिलहाल कुछ दिन के लिए आपका गुजारा हो जाएगा? कुछ दिन के लिए गुजारे हो गए सर जी, फिर देखेंगे, मदद करेंगे। आपकी मदद के लिए और लोग भी आएंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद पहुंचती रहे। एक